हेलो एवरीवन, इट्स योर नानी लोनी चैनल, सब्सक्राइब नाउ, शेयर इट फॉर क्लास 7 टू क्लास 11 का हिंदी का चैप्टर है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो आज जो है हम लोग पार्ट वन करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पहला पार्ट है। तो हम पंछी यानी कि हम पंछी यानी कि जो परिंदे होते हैं, जो हवा में उड़ते पक्षी, उन्मुक्त यानी कि खुला, गगन यानी कि आसमान, ठीक है। के तो हम कैसे हम खुले आसमान में रहने वाले पंछी हैं। पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे कि वर्ड मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड मीनिंग है आपका जो सपात है, पहला वर्ड है सीमाहीन, जिसका होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, उसको हम कह देते हैं सीमाहीन। स्थितिज होता है कि काल्पनिक स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, उस वाले जो सीमा को होता है हम स्थितिज कहते हैं। फोड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन, मिलन दो या अधिक प्राणियों का मिलन, तंती सांसों की डोरी, मर जाना, प्राण निकल जाना, नीर घोंसला आश्रय सहारा ठिकाना, छिन्नभिन्न नष्ट आकुल बेचैन विघ्न व्यवधान रुकावट, स्वर्ण श्रृंखला सोने की कड़ियाँ, यानी कि श्रृंखला का मतलब होता है जैसे कि ये मान लो कि आपका पिंजरा, तो पिंजरे की जो ये मोटी मोटी सी जो दीवारें हैं इसको कड़ियाँ यानी कि सोने की, स्वर्ण मतलब जो है सोना, ठीक है। और एक श्रृंखला होती है तो छोटी होती है, बट तो यहाँ पर जो है पिंजरे वाले श्रृंखला की बात की जा रही है। अगला है बंधन यानी कि बंधा हुआ, गति चाल वेग तीव्रता, ठीक है, गति स्पीड, उड़ान उड़ने की कला, उड़ने की प्रक्रिया, तरु वृक्ष पेड़, पुंगी सबसे ऊँची टहनी का ऊपरी भाग यानी कि सबसे ऊँची टहनी और उसका जो है ऊपरी भाग, अरमान इच्छा ख्वाहिश, नभ आकाश सीमा, अंतिम छोर चुगना, एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना, तारक तारों के समान, उन्मुक्त खुला, गगन आकाश, पिंजर बंद पिंजरे में बंधे हुए, कनक तिल्लियां सोने की सलाखें, बल्कि खुशी से। अब स्टार्ट करते हैं हमारी जो कहानी है वो स्टार्ट करते हैं, एक कविता है, ठीक है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध नागा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर फुल के पंख टूट जाएंगे। यानी कि हम पंछी क्या हैं, उन्मुक्त खुले गगन के रहने वाले हैं, हम पिंजरे में बद नहीं गा पाएंगे, कनक तिल्लियों यानी कि यहाँ पर पिंजरा है तो पिंजरे की जो सलाखें हैं तिल्लियाँ हैं उससे टकराकर हमारे नरम नरम से सॉफ्ट सॉफ्ट से जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। अगला यहाँ पैराग्राफ, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कई भली है कटुगनी बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि हम खुला जल पीने वाले, बहता पानी जो होता है नदी का वो पीने वाले हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कई भली है कटुगनी बोरी, कटुक यानी कि कड़वा, निबोरी यानी कि जो नीम का फल होता है, तो नीम का जो कड़वा फल है वो बहुत बढ़िया होता है। कनक कटोरी, कनक यानी कि सोने, कटोरी की मैदा से, तो जो सोने की कटोरी में मैदा पड़ी है उससे यहाँ पर खुला कर। अगला है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगिनी, फुनगी पर के पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि इस स्वर्ण वाले जालों में, यानी कि जो स्वर्ण का जो पिंजरा है चोटी है, इसके बंधन में हम अपनी गति की कैसे उड़ते हैं, ठीक है, और कैसी हमारी गति थी, ठीक है, जो सपने हम, ठीक है, वो सारा कुछ हम भूल गए। अब एक ही सपना देखते हैं कि कब हम आज़ाद होंगे, तरु यानी कि पेड़ की जो फुनगी है, ऊंची वाली डाल है उस पर झूले झूलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे स्थिति बताई जा रही है, जैसे आपने लॉकडाउन देखा होगा तो उसी वाली जो है यहाँ पे स्थिति बताई गई है कि अब स्कूल में कैसे जाना होगा, कैसे मैनेज करना होगा, तो वही वाली स्थिति भी यहाँ पर आ रही है। अगला है, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच को चुकते तारक अनार के दाने। इसमें बोला गया कि अरमान यानी कि हमारी इच्छा थी कि हम जो है नीले नभ में, नीले आकाश में घूमें, उसकी जो सीमा है कहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है वहाँ तक जाएँ, ठीक है, और लाल किरण सी चोंच खोल, ठीक है, यानी कि जो लाल लाल कलर की जो चोंच है उसको ऐसे खोलकर हम चुपते यानी कि खाते तारक अनार के दाने, यानी कि तारों की तरह जो अनार के दाने हैं उसको खाते। अगला तो स्टार्ट करते हैं, ये सेकंड वाला फ्रेज आपका, होती सीमाहीन स्थितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो स्थितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी कि या तो क्या होता, सीमाहीन स्थितिज से यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है उसमें एक कंपटीशन लगता, होड़ा होड़ी लगता पंखों का, कौन ज़्यादा तेज उड़ सकता है, या फिर स्थितिज यानी कि जो सीमा है वो मिल जाती, या फिर सीमा को पहुँच मतलब सीमा को पाने के लिए हमारी जो तंती सांसों की डोरी, या तो फिर हम मर जाते, ठीक है, उसको पाने पाने। नीड़ ना तो चाहे टहनी का आश्रय छिन्नभिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। नीड़ यानी कि घोंसला ना दो, कोई टहनी ना दो, या हमारा जो रहने का जगह है, आश्रय है, उसको जो है ख़राब कर लो, पर पंख दिए हैं तो हमें जो है आकुल उड़ाने की जो है विश्वसनीय उड़ान को जो है करने दो, उसमें विघ्न ना डालो।
तो ये थी पूरी कविता, इसको शिव मंगल सिंह सुमन ने बनाया था, इनका पूरा नाम है शिव मंगल सिंह, उन्होंने एक यहाँ पे अप्रॉस ट्रॉफी में लिख दिया है सुमन। ओके, तो इस कविता में बताया गया है कि आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी होता है हमें आज़ाद रहना चाहिए और इस आज़ादी का फायदा उठाना चाहिए और हमें किसी की भी बाधा नहीं बननी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर।